तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी, ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप, और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखता है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है, मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों, मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती है। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती है, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है, चाय है या मीठे दूध की बासुंदी। हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो, हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय नहीं चौपट कर दिया, वही काफी है, पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो, कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी। तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जिठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जिठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं।
आरतीयों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना? अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और दो घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दिए, आए मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती हैं। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी, अरे जी जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने, अरे मेरे तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है, अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बिन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे अभी तो नेल पॉलिश लगानी है, मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन, तुम्हारी हरकतें बताने के।